हमने देखा था कि एटम्स वर कंबाइंड, ठीक है, एटम्स क्या हो रहे थे, कंबाइन हो रहे थे, देयर वाज सम केमिकल कॉम्बिनेशन टेकिंग प्लेस, और केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों हो रहा था, ठीक है, तो टू ऑब्टेन इनऑर गैस कॉन्फिगरेशन या फिर टू अचीव स्टेबिलिटी. अब स्टेबिलिटी हमने देखा था, स्टेबिलिटी कब आ रही थी, जब उनकी एनर्जी क्या हो रही थी, लोअर हो रही थी, एनर्जी कैन बी लोअर एंड स्टेबिलिटी कैन बी अचीव, ठीक है. और हम यहाँ पे कौन सी एनर्जी की बात कर रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे, एंड वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, ठीक है. तो जैसे जैसे आर जो है, आर की वैल्यू कम हो रही थी, आर की वैल्यू कम होने का क्या मतलब है कि दो एटम्स हैं ए एंड बी एंड दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, इफ दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर उनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, दैट इज आर कम हो रहा है. और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी होगा जो इस आर के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, वो हमने देखा था ग्राफ में, ठीक है. और जब मिनिमम हो रहा था तभी क्या हो रहा था, हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था, और वही मिनिमम डिस्टेंस को हमने आर वन बोला था, एंड दैट डिस्टेंस इज व्हाट, बॉन्ड लेंथ, एंड दैट एनर्जी, एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दैट डिस्टेंस इज व्हाट, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है. ये सारी चीजें डिस्कस की थी हमने. फिर हमने देखा था कि बॉन्ड जो है वो किस तरह के फॉर्म होंगे, बॉन्ड किस तरह के फॉर्म होंगे, एक तो हमारा बॉन्ड फॉर्म होगा इंटर एटॉमिक, जो कि एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होगी, और दूसरा होगा इंटर मॉलिक्यूलर, जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होगी, ठीक है. तो जो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है वो हमारा प्राइम रीजन होता है टू ऑब्टेन द स्टेबिलिटी, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज प्राइमरी बॉन्ड्स, एंड सेकेंडरी बॉन्ड्स आर दोस जो एक्चुअली मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, दे आर वीक बॉन्ड्स, जबकि प्राइमरी बॉन्ड्स आर व्हाट, स्ट्रॉन्ग. प्राइमरी बॉन्ड में हमने देखा था जो जो जनरल बॉन्ड्स थे जो हमने अभी तक पढ़े हैं, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट एंड मोनोमर, दैट इज मेटालिक बॉन्ड. और हमने सेकेंडरी बॉन्ड में देखा था कि एक तो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड हो रही थी, और दूसरा था हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इंटर इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है. तो अब इस चैप्टर में हमें बेसिकली बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है. फिर हम डिस्कस कर रहे थे क्या, आयनिक, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिन्हें हम बोलते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग हमने एक देखा था कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है. इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम क्या बोलेंगे, अब मेटल कौन कौन से हो सकते हैं, अगर मुझे आयनिक बॉन्ड बनाने हैं तो मेटल कौन कौन से ग्रुप के हो सकते हैं, ये हो सकता है ग्रुप वन, ग्रुप टू और ग्रुप थ्री. हम डी ब्लॉक में नहीं जाएंगे क्योंकि डी ब्लॉक जो होता है वो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करता है, ठीक है. डी ब्लॉक वाले से डिस्कस करेंगे, ग्रुप वन टू एंड क्या 13 भी कर सकता है, ग्रुप 13 कर सकता है, नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में आता है ना ग्रुप 13, और वो क्या करेगा, जैसे कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्या करना चाहेगा, अपना 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे. एल्युमिनियम क्या है, मेटल है या नॉन मेटल, मेटल है ना, तो फिर मतलब मेटल्स में ये 3 ग्रुप हो सकते हैं, और नॉन मेटल्स में कौन कौन से ग्रुप हो जाएंगे हमारे, 14 का भी हम चलो देख लेते हैं, 14 का हम ना हाइड्रोकार्बन में देखते हैं, तो 14, 15, 16 एंड ग्रुप 17, क्योंकि 14 क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम 15, 16 और 17 देखेंगे. तो अगर ग्रुप 1 और का ले लें हम, जैसे कि सोडियम, तो सोडियम क्या बनाएगा, सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाती है, ग्रुप 1 में देख लेते हैं, लेना, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स क्या बनेंगे, मेटल्स,
और अगर ग्रुप 15 का नॉन मेटल हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी बताओ जल्दी से? 1. और इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? 3. ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रोवैलेंसी इसकी किस टर्म्स में है? इसकी एक्सेप्ट करने के टर्म्स में है और इसकी लूज करने के टर्म्स में. ठीक है, ग्रुप 2 का देखें तो फिर ठीक. और अगर ग्रुप 13 की बात करें तो ग्रुप 13 में जनरली एल्यूमिनियम और गैलियम भी होते हैं अच्छे मेटल, क्योंकि डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है. ठीक है, क्या बोले? ग्रुप 14 हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमने ग्रुप 14 में क्या हाइड्रोकार्बन फॉर्म करते हैं. ग्रुप 14 जनरली मेटल्स के साथ हम जनरली देखते नहीं कि कोई नॉन मेटल कार्बन के फॉर्म में होता है. ठीक है, इट्स वेरी रेयर. तो जनरली हम जनरल केसेस डिस्कस कर रहे हैं 15, 16 एंड 17. ठीक है, सो ये हो गया आपका ग्रुप 13. इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी? 3. इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी 2. ठीक है, यहाँ पे ग्रुप 16 पर आए तो पीओ नहीं ले रहे. पोलोनियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है. ठीक है, 17 का तो समझ में आ रहा है. इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगा? 2. और इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगा? 1. इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस किसके टर्म्स में हो जाएगा? ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ लॉस. ठीक है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोलूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो इसका क्या हो जाएगा? कैसे लिखते हैं? NS1 तो होगा ही, और उसके साथ साथ उसका करस्पॉन्डिंग आईजी का क्या मतलब है? इनर्ट गैस. ठीक है, करस्पॉन्डिंग उसके जो इनर्ट गैस आएगा, इसका क्या हो जाएगा? NS2, और उसके करस्पॉन्डिंग इसका NS2NP1. और इसका क्या हो जाएगा? दिख रहा है यहाँ पे, इधर हो जाएगा NH2NP3 और IG, और इसका हो जाएगा IG NH2 ठीक है, तो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अपना नियरेस्ट अचीव करना चाहेगा, उसकी करस्पॉन्डिंग उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी. अब देखो, जो डी ब्लॉक होता है उसका क्या होता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. क्या होता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन. इसलिए डी ब्लॉक को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे. हम इलेक्ट्रोबैलेंसी जिसकी क्या होती है? फिक्स होती है, वो डिस्कस. अब देखो, मेटल और नॉन मेटल में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ग्रुप में, उतना ही अच्छा मेटल होगा और उतना ही अच्छा नॉन मेटल होगा. मतलब उतना ही अच्छा क्या बनेगा? आयरन बॉन्ड बनेगा. ये बात समझना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे लिखियो कि मोर द डिफरेंस, यहाँ पे लिख लो हायर द डिफरेंस. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम नोट करके, हायर द डिफरेंस between metal and non-metal, more ionic the compound. ठीक है, जितना ज्यादा मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस होगा उतना ही अच्छा क्या होगा? हमारा कंपाउंड आयनिक होगा, या फिर कह सकते हैं उतना ही ज्यादा उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा. ठीक है, तो मैम डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही डिफरेंस है एक्चुअली, तो मैं बताऊंगी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी डिफरेंस में हम बहुत सारी चीजें देखेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे ग्रुप 1 का देखें तो सबसे अच्छा क्या हो जाएगा? ग्रुप 1 और ग्रुप 17 का जो कंपाउंड बनेगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा? आयनिक होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोवैलेंट कैरेक्टर होगा.
उसमें, और उसमें भी कौन सा होगा सबसे ज्यादा? CS. ठीक है, उसमें भी मोस्ट आयनिक विल बी CS. ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखो, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि इसका क्या मतलब है? तो ये होगी बात कि आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है क्या होती है, देखो अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक कैरेक्टर. तो भी हां arrange the following in order of their increasing ionic character. Ionic character किस में सबसे ज्यादा होगा उसको order wise. इसीलिए मैंने ये गलत सीरीज बनाई है क्योंकि तुम लोगों को सीरीज तो याद है ग्रुप 7 के जो लिख दिया वो लिख दिया. क्या होती है ग्रुप 17 ग्रुप 17 हाँ कुल क्लोरीन क्लोरीन हाँ तो फिर बीयर के बीच में आए पहले क्लोरीन आना चाहिए. ठीक है पहले NaN फिर NaCl अच्छा ऐसे मिक्सचर के लिए लिखा है NaN फिर NaCl फिर NPR फिर Na. ठीक है ये हो जाएगा फिर और आपका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा एनी एफ का हो जाएगा. अब हम देखेंगे कि जब आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है तो कौन कौन से एनर्जी टर्म्स जो होते हैं वो आते हैं. ठीक है तो लिखो एनर्जी टर्म्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ आयनिक. कौन कौन से एनर्जी के टर्म्स हैं? एनी गेसेस? एक तो बताओ कोई एनर्जी के कौन कौन से टर्म्स आएंगे? आयनिक एनर्जी तो नया सुन लिया. बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी कब आता है? बॉन्ड एनर्जी तब आता है जब बॉन्ड ब्रेक होता है. यहाँ पे कोई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हम क्या करें आयनाइज करा रहे हैं और जो आयनाइज कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. एक जगह हम आयनाइज करा रहे हैं एक जगह हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करा रहे हैं. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दो या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोल दो सेम थिंग दोनों ही एनर्जी रिलेटेड है. ठीक है अब क्या हो रहा है एक जगह आयनाइज हुआ एक जगह इलेक्ट्रॉन गेन हुआ. ठीक है दूसरी अब की दूसरी चीज क्या हो रही है जो दोनों आयन्स है वो दोनों क्या हो रहे हैं एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर जुड़ रहे हैं. ठीक है तो इसके लिए जो एक एनर्जी का टर्म आएगा वो आपके लिए नया होगा बाकी दोनों तो आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाई है. जो नया एनर्जी का टर्म आएगा जब दो आयंस मिलके कंबाइन होते हैं और एक मोलर सब्सटेंस बनाते हैं तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी. कौन सी एनर्जी? लैटिस एनर्जी. ठीक है वो हम देखेंगे वन बाय वन डिस्कस करते हैं. पहले लिखो आयनाइजेशन एनर्जी. Ionization is a term related when an atom is ionized. Definition ही बोल रही हूँ. Atom क्या हो रहा है? Ionized हो रहा है. मतलब क्या हो रहा है? Formation of क्या हो रहा है? Ionized होके formation of क्या हो रहा है? Cation हो रहा है. Ionization energy का क्या मतलब है? कि ions को मतलब electrons को निकाल रहे हैं. जब electrons को निकाल रहोगे तो क्या बनेगा? के टाइम बनेगा. ठीक है तो दूसरी चीज जैसे कि हमारा Na क्या हो गया कोई भी मेटल ले लेती हूँ जरूरी नहीं है कोई भी मेटल है किस फॉर्म में होना चाहिए सॉलिड लिक्विड गैस गैसेस फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है गैसेस आइसोलेटेड एटम. ठीक है वो क्या बना एक इलेक्ट्रॉन देके
ये गैसेस आयन बना लिए इसने, यूनिपॉजिटिव गैसेस आयन एंड वन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज. ठीक है, मुझे बताओ आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी आपको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी या ये एनर्जी आपको दे देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को निकाल. ठीक है, और जब एनर्जी देनी पड़ती है तो वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? आपने इसको एनर्जी दी एंडोथर्मिक पॉजिटिव. ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? पॉजिटिव. ठीक है, एंडोथर्मिक होता है. एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब होता है? आप एनर्जी दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ एक्सोमेनेगेटिव. ठीक है, तो पहला हो गया आपका आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. अफिनिटी में क्या हो जाएगा? आयंस का जो एटम होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? फॉर्मेशन ऑफ एनायन. अब देखो कोई नॉन मेटल गैसेस फॉर्म है, वो भी गैसेस फॉर्म में होता था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी याद है. इसको हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये क्या बना दिया? एक्स माइनस गैस. इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? एनर्जी क्या आएगी? पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी? नेगेटिव आएगी. ठीक है, हमने देखा था क्यों? क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो क्या होगा? वो क्या होगा? स्टेबल होगा थोड़ा सा. ठीक है, क्योंकि एटम को आपने इलेक्ट्रॉन दिया, वो क्यों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है? स्टेबलाइज होने के लिए. और जब भी कोई चीज स्टेबल होगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी. ठीक है, एनर्जी लूज करके ही तो स्टेबल होगा. ठीक है, तो इसका क्या हो गया? नेगेटिव. अगर मैं मान लो इसको दोबारा इलेक्ट्रॉन दे दू एक और, तब इसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? बोलो, इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा और ये सेम ही उसमें आ रहा है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण एनर्जी क्या करना पड़ेगा? दूसरी बार आपको देना पड़ेगा. ठीक है, जो दूसरा टर्म आया वो क्या था? लैटिस एनर्जी. एनर्जी या एंथैल्पी, इट्स वन एंड द सेम थिंग. एनर्जी बोल दो, एंथैल्पी बोल दो, एक ही चीज होती है. थर्मोडायनेमिक्स में तो पढ़ ही होगे. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? लैटिस एनर्जी जो टर्म आई है इसमें क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ लैटिस. ठीक है, NaCl कैसा होता है? सॉलिड होता है. और सॉलिड क्या होता है? एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में अरेंज होता है. पता है कि नहीं आपको? सॉलिड कैसे बनाते हो? बचपन में सॉलिड कैसे बनाते थे? डब्बा बनाते थे, उसके अंदर गोला करने लगते थे, करते थे ना ऐसे. तो ये जो बना रहे हो ये क्या है? एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है और इसी को हम क्या बोलते हैं? लैटिस. ठीक है, एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज नोन एज लैटिस. ठीक है, हाँ, तो अब देखो लैटिस एनर्जी में क्या होगा? Na प्लस और Cl माइनस मिलेंगे. ठीक है, दो का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे और क्या फॉर्म करेंगे? लैटिस. चलो लैटिस एनर्जी, तो अब क्या होगा? दोनों आयंस फॉर्म होंगे. अब क्या हमें फॉर्म करना है? सिर्फ हमें आइटम बनाने हैं, आइटम्स का अरेंजमेंट करना है. तो क्या होगा? लैटिस एनर्जी देनी पड़ेगी और वही एनर्जी क्या होगा? उससे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ लैटिस. अब यहाँ पे लैटिस एनर्जी नहीं टर्म आई. जब भी कभी लैटिस फॉर्म होगा, लैटिस फॉर्म कैसे हो रहा है? Na प्लस गैसियस प्लस Cl माइनस गैसियस मिलके क्या बना रहा है? NaCl. ठीक है, अब ये जो NaCl बन रहा है, NaCl नहीं, मैं M और X के टर्म में बोलती हूँ. तो M प्लस प्लस X माइनस मिलके क्या बना रहा है? NX सॉलिड. ठीक है, और जब भी ये ऐसा होगा, हाँ सॉलिड बनेगा, NaCl क्या होता है? सॉलिड होता है. तो अब जब भी ऐसी बात होगी तो एनर्जी बताओ गेन होगी या लूज होगी? गेन होगी.
देना पड़ेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसको अट्रैक्शन के लिए आपको कुछ करना पड़ता है या बस सामने रख दो अपने आप हो जाता है? अपने आप हो जाएगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा? अपने आप ही करेगा, आपको उसके लिए कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखो ये क्या है, लेस स्टेबल, आयनिक फॉर्म में है तो लेस स्टेबल है, और यहाँ पे कंपाउंड बना लिया मतलब क्या हो गया, मोर स्टेबल। तो जब भी कोई चीज लेस स्टेबल से मोर स्टेबल होगी एनर्जी क्या करेगा, वो हमेशा याद रखना, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल होगा एनर्जी विल बी रिलीज्ड, और जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो वो क्या हो जाएगा आपका, एनर्जी नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है, एक्सो मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैटिस एनर्जी आएगी वो आएगी आपकी क्या, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। अब देखो यहाँ पे क्या है, लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन लिख देते हैं। लैटिस एनर्जी क्या होती, अब आपके थर्मोकेमिस्ट्री में भी बहुत काम आने वाला है, थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगा जब इसको आप थर्मोकेमिस्ट्री एक पार्ट है वो पढ़ोगे। एनर्जी रिलीज क्यों होगी, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें एनर्जी देनी तो पड़ रही है, ये काम अपने आप हो रहा है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जा रहा है, तो एनर्जी क्या करेगा, लूज करके तो जाएगा, और जब एनर्जी लूज करके जाएगा तो ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हमें क्या बोला था, हमारे के पास बहुत पैसे हैं तो उसकी एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है, हाई है, तो वो स्टेबल होगा क्या, कभी यहाँ भागेगा, कभी सिंगापुर भागेगा, कहीं किधर भागेगा, ठीक है, तो एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, हाई, अनस्टेबिलिटी। अगर उसको अपने आप को लेस स्टेबल करना है, अगर किसी को भी लेस स्टेबल करना है, एक जगह बिठाना है, तो उससे क्या कर लोगे, पैसे ले लोगे सारे उसके, वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। पैसे लेने का क्या मतलब है, एनर्जी ले लिया हमने तो एनर्जी उसने रिलीज कर दी, लूज कर दी, तो ई क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, कितना मोल ऑफ सब्सटेंस बना, एक मोल बना, और किससे बना, आयन से बना, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी विल बी द एनर्जी, लिखियो इसका डेफिनेशन, एनर्जी हमेशा क्या होगी, लैटिस एनर्जी अगर बनेगा तो एनर्जी विल ऑलवेज बी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन व्हेन वन मोल ऑफ gaseous cation and anion forms one mole of substance. यहां पे लिख सकते हैं कि lattice energy is the energy released when one mole of substances formed from an isolated gaseous atom, as a liquid. One mole of substance is formed वो भी सही है, ये ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। One mole of substance is formed from an isolated gaseous ion. गैस होना तो जरूरी है, तभी तो हमने पहले इसको गैस में किया था, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालना है या इलेक्ट्रॉन देना है वो आप सॉलिड में ही कर पाओगे। इस सॉलिड में एटम्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, तो उसको आप इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाओगे, वो जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी आप इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाओगे उसको, वो पहले तो आइसोलेट तो हो, अलग अलग तो हो, और अलग अलग क्या करने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ोगे कैसे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाओ, ठीक है। टू आइसोलेटेड गैसेस एटम एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस आयंस इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं है कि बाय मॉलिक्यूलर बाय एटॉमिक ही हो, डायटॉमिक ही हो सकता है, दो से ज्यादा एटम से भी मिलके बना, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखो हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, वी नो अबाउट दैट,
We also know कि हम electron affinity या electron के लिए enthalpy कैसे determine करेंगे, वो भी हमें पता है. लेकिन अभी हमने एक नया term देखा, lattice energy. तो अब ये lattice energy कैसे हम पता करेंगे, तो देखते हैं determination of lattice energy. So we have determination of lattice energy. तो lattice energy को determine करने में कोई direct फॉर्मूला नहीं है, कोई इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है. इसको हम एक साइकिल से पता करते हैं, मालूम करते हैं. उस साइकिल का नाम आपने शायद सुना भी हो, नहीं सुना होगा तो थर्मोडायनेमिक्स में भी आगे जाके सुनोगे. अभी बता दे रही हूँ कहाँ आएगा. उसका नाम है साइकिल का बॉर्न-हेवर साइकिल. क्या नाम है? Born-Haber cycle. तो यहाँ पे लिख लो, there is no direct method to determine lattice energy. It is determined by cycle name Born-Haber cycle. अब ये Born-Haber cycle क्या आ गया? Born-Haber cycle क्या होता है? तो देखते हैं इसको. NaCl का पहले example लेते हैं. तो NaCl सॉलिड फॉर्म करना है मुझे एक मोल. मुझे क्या चाहिए? NaCl सॉलिड फॉर्म करना है एक मोल. तो मैं क्या लिखूंगी? पहले तो प्रोडक्ट साइड में लिख लेती हूँ, मेरे को क्या चाहिए? NaCl सॉलिड एक मोल चाहिए. तो इसके लिए मुझे क्या सिंपल, मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? Na सॉलिड जो जो कि अपने नॉर्मल एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है. कैसे पाया जाता है? नेटिव फॉर्म में Na सॉलिड. और क्लोरीन कैसे पाया जाता है अपने नेटिव फॉर्म में? गैस के फॉर्म में. और कैसे होता है? डायटोमिक होता है. क्या होता है? डायटोमिक CL2. तो CL2 गैस. क्या ये मुझे पूरा का पूरा एक मोल चाहिए? इसको मुझे एक ही मोल चाहिए, ये मेरे को कंफर्म है. ये कितना होना चाहिए? हाफ मोल होना चाहिए. तो इसके फॉर्मेशन में जो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, ये होता है आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो कि आप आगे जाके पढ़ने वाले हो. F का क्या मतलब होता है? फॉर्मेशन. और जब भी आप एंथैल्पी वर्ड करते हो तो उसको कैसे डिटरमाइन करते हो? H से. ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज डेल्टा H. अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को भी हम क्या कर सकते थे, एक बार डिफाइन कर देते हैं. या फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो लिखो इसका डेफिनेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन. तो ये क्या हो जाएगा? एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम the elements that are in their pure and stable state. ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? हमें कितना बनाना है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? वो एनर्जी चेंज जब हमें कितना मोल ऑफ सब्सटेंस बनाना है? एक मोल सब्सटेंस बनाना है. किससे बनाना है? उन एलिमेंट से बनाना है जो एलिमेंट अपने प्योर या नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं. अब देखो, सोडियम प्योर में कैसे पाए जाते हैं? सोडियम प्योर है तो Na सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं. और क्लोरीन प्योर है तो कैसे पाया जाएगा? फ्लोरीन गैस दैट इज CL2 गैस के फॉर्म में. तो इसका ये मतलब है, ये लाइन का मतलब ये हो गया. ठीक है, जो नेटिव फॉर्म होता है. तो अब मुझे बताओ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और लैटिस एनर्जी क्या एक ही चीज है? जल्दी से बताओ. एक ही चीज नहीं है. क्यों? क्योंकि ये देखो, ये किससे बन रहा है? एलिमेंट के प्योर फॉर्म में बन रहा है. ठीक है, एक मोल इसमें भी बन रहा है, एक मोल इसमें भी बन रहा है. ओनली डिफरेंस इज कि ये किससे बन रहा है? ये एलिमेंट से बन रहा है, जबकि वो किससे बन रहा है? आयन से. आयन से बन रहा है.
ठीक है, तो इसीलिए हमेशा लैटिस एनर्जी विल बी द फॉर्मेशन फ्रॉम द गैसियस आयन एंड दिस विल बी द फॉर्मेशन एंथैल्पी चेंज फ्रॉम द नेटिव एलिमेंटल स्टेट, नेटिव प्योर स्टेट। ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना, डेल्टा एच एफ और लैटिस एनर्जी आर टू डिफरेंट थिंग्स, वो आयन से बन रहा है, ये एलिमेंट से बन रहा है। अब हम आते हैं बॉन्ड हेवर साइकिल से। अब मुझे निकालना है क्या लैटिस एनर्जी, ठीक है, एंथैल्पी तो आप लोग निकाल ही लोगे, एंथैल्पी कैसे निकालते हैं बताओ, थर्मोडायनेमिक्स में वो तो पढ़ ही रहे हो एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, लेकिन लैटिस एनर्जी निकालनी है। ठीक है, कहां से निकालनी है, बॉर्न हेवर साइकिल से। तो ये देखते हैं क्या होता है बॉर्न हेवर साइकिल, बनाना है हमें NaCl, देखते हैं कैसे बनता है। तो पहले तो मैं पूरा जो नॉर्मल हमारा जो रिएक्शन है वो लिख दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा Na सोडियम प्लस हाफ Cl2 गिव्स NaCl, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी एनर्जी आएगी, बनाना तो हमें यही है, ठीक है, ये Na सोडियम और Cl2 गैस, ठीक है, बनाना तो यही है, इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी वो कौन सी होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज डेल्टा एच। ठीक है, अब डायरेक्टली तो ये बन नहीं सकता, डायरेक्टली बन पाएगा क्या, कभी नहीं बनेगा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले किसमें चेंज करना पड़ेगा, गैस में चेंज करना पड़ेगा, गैस से फिर किसमें चेंज करना पड़ेगा, आयन से। ये तो ऑलरेडी गैस फॉर्म में है, लेकिन ये कहाँ है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इसको मुझे पहले एटम बनाना पड़ेगा, फिर एटम से फिर इसको एनायन बनाना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड कर दोगी तो फिर क्या बन जाएगा, हमारा लैटिस एनर्जी लेगा और क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, पिक्चर समझ में आ गया क्या करना है। ठीक है, अब देखो इसको चेंज करना है मुझे Na प्लस, नहीं पहले तो इसको गैस गैस में चेंज करना है ना, Na गैस, अरे वो एंटीवायरस कुछ हो गया, ठीक है, Na गैस। अब मुझे देखो सॉलिड से सीधे गैस बनाना है, बचपन में कुछ पढ़ा था कि जब सॉलिड से कोई चीज सीधे गैस बनती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जैसे कैंफर है, कपूर होता है जो पूजा में यूज करते हैं, पढ़ा था ना, सब्लिमेशन, कोई भी चीज गैस सॉलिड से सीधे क्या बन जा रही है, जैसे आपका ओडोनिल होता है, नैफ्थलीन बॉल्स होते हैं, ठीक है, ओडोनिल होता है, ये सारी चीजें क्या सब्लाइम नेचर की है, सीधे किसमें हो जाता है, सॉलिड से गैस में। अगर मुझे इसको सॉलिड से गैस बनाना है सीधे, तो मुझे इसमें कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, सब्लिमेशन वाली एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं उसको, वो भी पढ़ोगे आप उसको, तो डेल्टा एच एस भी बोलते हैं इसको, मैं ऐसे ही डिनोट कर रही हूँ, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, हम सीधे इसको सिर्फ डेल्टा एच एस से। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको, मैंने इसका एनर्जी दी या ली, इससे कोई भी चीज मेरे को सब्लाइम करनी है, सॉलिड से गैस बनाना है, ऑब्वियसली एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये चीज पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको मुझे क्या करना है, आयनाइज करना है, इसको क्या बनाना है, Na गैस से अब Na प्लस बनाना है, तो चलो बना दिया Na प्लस गैस, इसके लिए भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर जितनी भी एनर्जी होगी उतनी देनी पड़ेगी, तो ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का मतलब होता है एनर्जी दे रही। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मुझे, हमें क्या चाहिए था, एटम चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एटम चाहिए था, तो गैस का रिलेशन है, एटम चाहिए था लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल है, अब मुझे इसको क्या बनाना है, एटम बनाना है, मतलब मुझे ये जो सीएल सीएल के बीच में जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, सीएल सीएल के बीच में बॉन्ड जो है उसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, सीएल बन जाएगा वहां से। ठीक है, तो अब मुझे इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसके बॉन्ड एनर्जी के बराबर, और बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल से क्या बना रहे हैं, एटम बना रहे हैं, तो इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोल दो या फिर बॉन्ड एनर्जी बोल दो। मान लो इसकी बॉन्ड एनर्जी बी है,
तो क्या मुझे पूरी एनर्जी देनी पड़ेगी, मुझे तो एक ही सीएल चाहिए, और है कितने, दो सीएल, और ये हाफ है, तो मुझे कितनी एनर्जी, अगर मुझे एक सीएल टू बॉन्ड ब्रेक करना होगा तो मुझे डी एनर्जी देनी पड़ेगी। मुझे कितना एनर्जी चाहिए अभी, मुझे हाफ सीएल टू बॉन्ड ब्रेक करना है, तो डी बाई टू एनर्जी, दैट इज द बॉन्ड एनर्जी। देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, इससे एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये भी पॉजिटिव है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें चेंज हो गया ये अब फ्लोरीन गैस में चेंज हो गया। अब इसको दोबारा आयन बनाएंगे, आयन बनाने के लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी अब इसको, एक दूसरे का सुन सुन के खूब गलत बोल, ये क्या हो रहा है, सीएल से सीएल माइनस बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और मुझे पता है क्या होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, पहले नेगेटिव से। अब देखो आयन बन गए दोनों, गैसियस आइसोलेटेड आयंस बन के इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो क्या यही चीज बन जाएगी, बन गई ये चीज, और इन दोनों का जब एडिशन होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी या गेन होगी, ये दोनों आयंस जब एक दूसरे से जुड़े तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, मतलब ये जो लैटिस एनर्जी आएगी इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक। अब इसको ये साइकिल बन गया ना, क्योंकि यहां से भी ये चीज मिल रही थी और हमने ये वाला किया, यहां से आया ये चीज बन गई, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि ये जो डेल्टा एच एफ की वैल्यू है ये टोटली इन सबका सम कर दूंगी इनके साइन के साथ, तो किसके इसके बराबर आ जाएगा, आ जाएगा, साइन तो आप लोगों को पता ही है क्या होगा, इसलिए मैं साइन इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बस क्या कर लिख रही हूँ यहाँ पे, आप देख क्या सकते, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि जो डेल्टा एच एफ है वो क्या हो जाएगा, एस प्लस आई ई माइनस ई ए, फिर क्या हो जाएगा माइनस एल ई, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, मैम डी बाई टू, हाँ डी बाई टू लिखने में सोच रही थी क्या होगी, प्लस डी बाई टू माइनस ई ए माइनस एल, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये ले लो या डेल्टा, ये भी नहीं लिखे यहाँ पे, ये हो रहा है ना मैम फॉर्मूला, हाँ आयनाइजेशन तो कब होती है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जब आप इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, क्या यहाँ पे आपने किसी के इलेक्ट्रॉन्स निकाले, इलेक्ट्रॉन दिया है, हमने उल्टा नाम किया है ना, इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग तो ये आएगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आई बात समझ में, ठीक है। तो यही है आपका बॉन्ड हेबर साइकिल, और यहां से आप एली निकाल दोगे, क्योंकि हमें पता है ये कैसे निकालते हैं, बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं, ये भी वैल्यू आपको गिवन होगी, हमें सिर्फ लैटिस एनर्जी निकालनी थी तो वो हमने इस प्रोसेस से निकाली, निकाल लेंगे हम, बना लोगे बॉन्ड हेबर साइकिल अलग अलग चीजों का, तो चलो बना के दिखाओ एक बार, एम जी ओ, ठीक है, तो वी हैव टू फॉर्म एम जी ओ, इनकी हम वैल्यू दे देना है, हाँ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली एक ही अननोन होगा ना, लेकिन साइन कन्वेंशन भी गिवन होगा, वो तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि किसके लिए क्या साइन है, हाँ अब बना के देखो कैसे होगा, उसके बाद बात करते हैं इस पर। सो वी हैव टू फॉर्म एन जी ओ, एन जी हमें पता है सॉलिड ही होता है और ओटू क्या होता है, गैस होता है, हमें एक ही मोल बनाना है एम जी ओ सॉलिड, देख रहे हैं सब, ठीक। तो यहाँ पे ओटू गया है तो इसको हाफ कर देते हैं, अब क्या हो जाएगा, इसको सॉलिड से गैस बनाना है तो सीधे इसको सब्लिमेशन एनर्जी दे देंगे तो क्या हो जाएगा ये एम जी गैस। अब पहले तो मैं इसको आई ई वन दूंगी, कई बार आपको क्वेश्चन में आई ई वन प्लस आई ई टू की वैल्यू गिवन रहती है, तो यहाँ पे आई बी वन प्लस आई बी टू अगर दे रहा होगा तो सीधे एम जी प्लस टू बन जाएगा, अदरवाइज क्या करोगे, पहले आई बी वन एम जी प्लस गैस में,
फिर दूसरा आई देखिए आई देखिए एम जी प्लस टू गैस। ठीक, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे इसको भी बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, हमें एक ऑक्सीजन चाहिए डी बाई टू। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ गैस मिल गया हमें। अब ओ गैस में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को देना है। तो पहले ई ए वन आएगा और ई ए वन क्या दे देगा, ओ माइनस गैस। ई ए वन का साइन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन देना है तो ए टू आ जाएगा और ओ माइनस टू गैस बनेगा। और हमने देखा था कि ए टू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। पहले तो हमेशा ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है, बाकी उसके बाद क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये ए क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो जब दो को ऐड करेंगे तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी निकलेगी वो कौन सी एनर्जी होगी, इसकी लैटिस एनर्जी, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, डेल्टा एच। ऐसे भी लिखते हैं, एच एक साथ भी लिख सकते हैं, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमारा था डेल्टा एच। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा एच हो जाएगा इस प्लस आई वन प्लस आई टू, ठीक है, प्लस बी बाई टू माइनस ई ए वन प्लस ई ए टू माइनस, हाँ ये पॉजिटिव होगा पीरियोडिक टेबल में बना था हमने कि जब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे थे, तो जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे तब तो वो स्टेबल हो रहा था। ठीक है, जब दूसरे इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे अब सेम सब्शन तो क्या हो रहा था, इधर इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होने लग रहा था। और रिपल्शन अब देखो ये नेगेटिव है, ऊपर से आप इसको एक और नेगेटिव दे रहे तो क्या हो जाएगा, नहीं नेगेटिव वो बात नहीं है, नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन है उसके पास और उसको सेम चार्ज दे रहे तो क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्ट करेगा क्या, नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन के कारण क्या हो जाएगा, वो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, अब एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है कि ये वन पॉजिटिव नेगेटिव होता है टू पॉजिटिव क्यों होता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। आगे बात समझ में, बॉन्ड नेबर साइकिल समझ में आ गया सबको। अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है, बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, जब स्टेबिलिटी होगी तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और मुझे बॉन्ड फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए आई की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए या मिनिमम, बॉन्ड बनाने मुझे तो आई की एनर्जी क्या होनी चाहिए, आई क्या हो रहा है, एनर्जी दे रहे तो एनर्जी में क्या चाहूंगी, देना ज्यादा चाहूंगी या कम चाहूंगी, आई मैं क्या चाहती हूँ कि मिनिमम। ठीक है, फॉर फेवरेबल कंडीशन आई शुड बी मिनिमम। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पहला वाला क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी भी मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर फेवरेबल कंडीशन क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन का फेवरेबल कंडीशन लिख लो, फेवरेबल कंडीशन आई मिनिमम, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से दे रहे हैं एनर्जी और जब भी हम अपनी तरफ से कुछ देंगे तो हम तो मिनिमम पे काम चलाना चाहेंगे ना। और ईए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, क्योंकि जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी स्टेबिलिटी भी होगी। और एली का भी वही ख्याल है, जितना लैटिस एनर्जी रिलीज होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी अचीव होगी। तो ये हो जाएंगे हमारी फेवरेबल कंडीशन और एली बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये जो लैटिस एनर्जी है ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, अगर सोडियम मान सोडियम का आयन या ये सब तो वो कंडीशन है ना नेचुरल, आप सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी वही रहेगा,
चाहे टेम्परेचर बढ़ा लो चाहे घटा लो चाहे जो मर्जी कर लो, सोडियम की वो प्रॉपर्टी है ना। वेरी गुड, ठीक है, साइज पे डिपेंड करेगा, आयंस जो बन रहे हैं उनका साइज कितना है, ठीक है। और दूसरी चीज किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही अच्छा बॉन्ड बनेगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। पहला साइज पे कैसे डिपेंड करेगा, जितना छोटा साइज होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल एटम बनेगा। देखो दो एटम है, आपने देखा होगा जितने लोग होते हैं, एक चीज आपने अपने नॉर्मल लाइफ में नोटिस की होगी कि जो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स का ग्रुप होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सबकी सेम हाइट होती है, बॉडी स्ट्रक्चर भी सबका सेम, मतलब वो दोस्ती के क्यों बनते हैं, सेम मेंटालिटी होती है, सेम हाइट होगी। आप देखोगे कोई भी ग्रुप देखोगे तो उसमें हाइट सेम होगा, बॉडी टाइप सेम होता है, बॉडी स्ट्रक्चर सब चीज सेम होता है, तब जाके वो अच्छा ग्रुप होता है, ठीक है। ग्रुप आप बनाते हैं इसलिए कि हाँ ये हमारे जैसा है, ठीक है, सिमिलर होते हैं वो किसी ना किसी सेंस में। तो जहाँ की कंपैटिबिलिटी आपकी कब ज्यादा होगी, जब आप सिमिलर उसके होंगे। अब बताओ दो छोटे छोटे एटम्स हैं ये, और एक एटम छोटा है एक एटम बड़ा है, कौन ज्यादा कंपैटिबल होगा, इन दोनों की दोस्ती को तो कोई तोड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये दोनों सबसे अच्छे दोस्त होंगे, जबकि ये दोनों इनके बीच में कभी ना कभी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे किसी ना किसी बात, ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी अगर साइज की बात कर रही हूँ, जितना साइज छोटा होगा उतना क्या होगा, अच्छी कंपैटिबिलिटी भी होगा, उतनी अच्छी क्या बनाएंगे, दैट इज एनर्जी रिलीज करके उतना स्टेबल आटम बनाएंगे, ठीक है। बड़ा बड़ा हुआ तो आप एक रूम में दो बड़े लोगों को, मतलब मोटे लोगों को घुसा दो, दोनों आपस में लड़ते रहेंगे कि मैं इधर सोऊंगा मैं इधर सोऊंगा, फिर कोई ये वाला बेड चाहिए, बेड बड़ा है, ठीक है। तो मोटे मोटे का भी नहीं हो सकता, किसका होगा, हमेशा दो छोटे छोटे कहीं भी सो जाएंगे यार, मैं तो कहीं भी सो जाऊंगा, ठीक है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, और एक किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ एटम्स, ठीक है, साइज ऑफ आयंस। मैंने लिख लो लैटिस एनर्जी फैक्टर्स रिलेटिंग लैटिस एनर्जी, ये पॉजिटिव नेगेटिव कब होती है बेटा, ये मैं आपसे बता रही हूँ। ये जब पहली बार आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो अगर नॉन मेटल है तो वो क्या होगा, थोड़ा सा स्टेबल होगा, और थोड़ा सा स्टेबल होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये नेगेटिव आएगी। जब दूसरी बार आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो ऑलरेडी इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, उसको आप एक और नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, जिसकी वजह से उनके बीच में रिपल्शन होगा, और वो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, आपको एनर्जी लेने की उसने क्या पड़नी पड़ी, उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार फैक्टर्स इफेक्टिव लैटिस एनर्जी लिख दो, उसके बाद चार्ज वाइंडिंग कर चाहिए। तो पहला हो जाएगा चार्ज ऑन आयन, मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका, अच्छी एनर्जी होगी उसकी, और उतना ही स्टेबल एटम आयन कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो चार्ज वाला आयन का लिख लो, हायर द चार्ज ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एल, मतलब क्या होगा, चार्ज से एल का क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, साइज ऑफ आयंस, तो साइज ऑफ आयंस में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा, एलिबिलिटी इनवर्स टू साइज ऑफ आयंस, और साइज ऑफ आयन क्या हो जाएगा, ये मान लो पॉजिटिव आयन है कैटायन है और ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, आयन पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इनके बीच का साइज क्या हो जाएगा, एक तो आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव के बीच में जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा। तो ये साइज में क्या मतलब है, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर प्लस प्लस आर नेगेटिव, जिसको मैंने आर नॉट बोला, ठीक है।
So if we have इसमें बताओ किसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? क्यों? लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? एलआई एनर्जी होगी। साइज किसका है? देखो एनआई में सेम है। ओके टाइम में अगर साइज देखा जाए तो किसका साइज बड़ा? चलो इसका ये एग्जांपल छोड़ दो, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि CsF2 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो वैलेंट होता है। तो आप इसका ये ऐसे लिख दो, जब हम इधर से इधर डाउन तो का नहीं लिखते हैं, हम देखेंगे इसका जब इधर से इधर जाए। ये देखो NaF